तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम देखने जा रहे हैं 11th क्लास के 6th चैप्टर का पार्ट 3, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जटिल ऊतकों के बारे में, दैट मींस कॉम्प्लेक्स टिश्यूज या फिर कंपाउंड टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से इसमें पार्ट प्रेजेंट होते हैं। और इससे पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो मैथमेटिक उत्तक हैं या टिश्यूज़ हैं उनका क्या कार्य है, वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, विभाजन करते हैं कंटिन्यू। और क्या करते हैं इसी के साथ में कि जो जटिल उत्तक हैं वो कितने प्रकार के हमने पढ़े थे, गेट इट। तो आज हम देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज या फिर कंपाउंड टिश्यूज। तो जटिल उत्तक क्या है, तो हमें पता है बच्चों की कोशिकाएं जो है वो उत्तकों का निर्माण करती है, बट कौन सी कोशिकाएं, क्या सभी कोशिकाएं उत्तकों का फॉर्मेशन करती है, हाँ या ना, नहीं, वही कोशिकाएं उत्तकों का फॉर्मेशन करेगी जो कि कार्य व उद्भव में समान होगी, यानी कि कार्य में भी आपस में समान होगी और जो उनका ओरिजिन है, जो उत्पत्ति जहां से हो रही है वो भी समान होगी। तो ऐसी ही कोशिकाएं मिलकर उत्तकों का निर्माण करती है, जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हाँ या ना। तो अब क्या है, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, क्यों, क्योंकि ये टिश्यूज हैं, ये एक इकाई की तरह कार्य करते हैं, कैसे, मतलब ये एक पूरा यूनिट बन जाएंगे और फिर फंक्शंस करेंगे, फिर कार्य को करेंगे, ठीक है। तो जटिल उत्तक है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, जो जटिल उत्तक हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। तो आज हमें यही देखना है कि जाइलम का बेसिकली फंक्शन क्या है, फ्लोएम का फंक्शन क्या है। तो जाइलम को इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं, जाइलम, ठीक है बच्चों, है ना, हमको पता है ना क्या करना है कि इंग्लिश की टर्म भी हमें साथ के साथ सीखनी है, ओके। जाइलम मूल से, ठीक है, जाइलम क्या करता है, मूल से पानी तथा खनिज लवण को, यानी कि क्या कर रहा है, जो मूल है, रूट्स है, वहां से क्या ले रहा है, पानी और खनिज लवण, यानी कि मिनरल्स और पानी को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक सघन उत्तक की तरह जो है वो कार्य करते हैं। क्या हुआ, मतलब हमने बोला कि जो जाइलम है, सबसे पहले हम बोलेंगे जाइलम एक जटिल उत्तक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हमने क्या बोला, इसका फंक्शन क्या है मेनली, कि वाटर है ना, वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, उसका कंडक्शन करता है, यानी कि ये पहुंचाने का काम करता है, उसका ट्रांसपोर्ट करता है, कहां से कहां तक। हमने कहा कि जो जाइलम है ना, जो जाइलम है वो मूल से क्या क्या लेता है, मूल से एक तो पानी लेता है ना, पानी यानी कि वाटर, और ये क्या लेता है, खनिज लवण, हाँ या ना, खनिज लवण लेता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। तो मूल से पानी और खनिज लवण लिया और कहाँ पहुँचाया इसने, तने एवं पत्तियों तक पहुँचाया, कैसे पहुँचाया, एक सघन उत्तक की तरह। आपको पता है कि जाइलम और फ्लोएम किस में आते हैं, सघन उत्तक भी कहलाते हैं या सघन तंत्र के उत्तक भी कहलाते हैं, क्लियर हो गई बात। तो जाइलम का क्या कार्य हुआ, वापस बता रही हूँ, मूल से पानी व खनिज लवण का कहाँ तक पहुँचाने का कार्य करता है, तने व पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य करता है। नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करता है रूट से लेकर के लीव्स एंड स्टेम तक, क्लियर। आई होप कि आपको ये लाइन याद ही हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, यह पौधों के अंगों को यांत्रिक सहारा भी देता है, क्यों, क्योंकि अब क्या होगा, इसमें बच्चों बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जो जाइलम की हम बात करेंगे तो बेसिकली 4 पार्ट्स से मिलकर बना होता है, तो कुछ पार्ट्स तो क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं, यानी कि फूड का स्टोरेज करते हैं, और कुछ जो पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सपोर्ट सिस्टम की तरह वर्क करते हैं। तो इसीलिए मैं क्या कह रही हूँ कि जो जाइलम है वो क्या कर रहा है, यांत्रिक सारा यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट देने की कोशिश करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल, सहारा यानी कि सपोर्ट। तो मैकेनिकल सपोर्ट कौन दे रहा है, हमारा जाइलम दे रहा है। ये 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में कि जो जाइलम है उसके 4 तत्व कौन कौन से होते हैं, अब सदे में आ जाता है कोई भी एक तत्व। और बच्चों एक और जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर वो ये है कि जो जाइलम है वो उसके जो 4 पार्ट हैं वो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, अगेन आई रिपीट,
हम बोल रहे हैं कि जो जाइलम के फोर पार्ट्स हैं वो बेसिकली एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ये लाइन समझ में आई। मैंने कहा कि जो फोर पार्ट्स होते हैं जाइलम के जो हम अभी पढ़ेंगे, ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अलग अलग होते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी। ये लाइन याद रखनी है आपको, ठीक है? क्यों? क्योंकि नीट में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। फाइन, तो ये चार तत्वों जैसे वाहिनिकी, ठीक है, वाहिनिकी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैकेड। क्या बोलते हैं? वाहिनिकी, यानी किसको इंग्लिश में बोलते हैं? ट्रैकेड। ठीक है, फिर हम बोलते हैं वाहिका को इंग्लिश में बोलते हैं वेसल्स। क्या बोलते हैं? वेसल्स। फिर हम बोलेंगे जाइलम तंतु, तंतु को इंग्लिश में बोलते हैं फाइबर। क्या बोलते हैं बच्चों? फाइबर। तंतु यानी रेशा, रेशा कैसा होता है? फाइब्रस होता है, हाँ या ना? तो हमने तीन पढ़े, कौन कौन से पढ़े? पहला हमने बोला कि जो वाहिनिका है ना, जिसको हमने ट्रैकेट बोला, हमने बोला फिर वाहिका है जिसको हमने वेसल्स बोला, फिर हमने बोला कि जाइलम तंतु होते हैं यानी कि जाइलम फाइबर होते हैं, और चौथा पार्ट कौन सा है? जाइलम पैरेन्काइमा, यानी कि जो पैरेन्काइमा से मिलकर जाइलम बना है वो भी एक किसी का तत्व इन्वॉल्व होता है। तो चार हमने तत्व पढ़े, कौन कौन सा? वाहिनिकी, वाहिका, जाइलम तंतु और जाइलम पैरेन्काइमा, ये चार तत्व हो गए। अब वाहिनिकी जो होती है वो लंबी अथवा नलिकाकार कोशिका की तरह होती है, यानी कि ये ट्यूबुलर होती है ना, लॉन्गिट्यूडनल होती है, लंबवत होती है ना, और कैसे होती है? एक ट्यूब की लाइक स्ट्रक्चर होती है, आया समझ में? इसकी कोशिका की भित्ति जो है वो मोटी होती है और लिग्निनी होती है। क्वेश्चन आता है कि जो जाइलम है उसकी जो वाहिनिका है उसकी जो भित्ति है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? तो वो किससे बनी हुई होती है? लिग्निन से बनी हुई होती है, इसलिए कहते हैं ये लिग्नॉइड की होती है। ठीक है, लिग्नॉइड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और गुहिका सुंडाकार होती है और इसमें जो ल्यूमेन होती है वो कैसे होती है? एक सूंड की तरह, जैसे कि हमारे एलिफेंट की सूंड कैसे होती है? ट्रंक होती है, हॉलो होती है, तो वैसे ही जो इसकी ट्रैकेट, जो ट्रैकेट की शेप्ड होती है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है? ये है हमारी ट्रैकेट, यानी कि वाहिनिका के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो वाहिनिका कैसी है? लंबी है, हाँ या ना? लंबी है और ये ट्यूबुलर शेप है, और जो इसके कॉर्नर्स होते हैं ये इस तरीके की, ये कैसी शेप दिख रही है आपको? एक सूंड के आकार की दिख रही है, और इसके अंदर बीच में क्या होते हैं? ल्यूमन्स होते हैं। क्या होते हैं? ल्यूमन होती है, यानी कि एक हॉलो खांच होती है, आया समझ में? फिर हमने बोला ये मृत अथवा प्रोटोप्लाज्म विहीन होती है, यानी कि इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता और ये डेड होती है। ठीक है, अब आपसे मैं जो अभी तक हमने लास्ट में पढ़ा उससे तीन क्वेश्चन बनते हैं, जल्दी से कॉपी में लिख लो क्या क्या होता है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोलते हैं कि कौन कौन से चार तत्व हैं। तो चार तत्व हमारा है वाहिनिका, ठीक है बच्चों, वाहिनिका। दूसरा हमने बोला वाहिका, हाँ या ना? तीसरा हमने बोला जाइलम तंतु, ठीक है, जिसको मैंने इंग्लिश में क्या बोला? जाइलम फाइबर। फोर्थ है हमारा जाइलम पैरेन्काइमा, हाँ या ना? पैरेन्काइमा। अब बच्चों जो क्वेश्चन आता है, एक तो चार तत्वों के नाम पूछ लेते हैं, इनमें से कौन कौन से चार तत्व हैं। अब जो मेन बात है वो ये है कि एंजियोस्पर्म में चारों पाए जाते हैं। किसमें? एंजियोस्पर्म में। लेकिन क्या जिम्नोस्पर्म में भी चारों पाए जाते हैं? नहीं, जो वाहिनिका होती है, ठीक है, यानी कि जो वेसल्स होती हैं, सॉरी, जो वाहिका होती है यानी कि वेसल्स, वेसल्स यानी कि वाहिका, वाहिका का क्या होता है बच्चों? अभाव होता है। अभाव होता है किसके अंदर? जिम्नोस्पर्म के अंदर। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जो वाहिका है उनका वेसल्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं पाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो एंजियोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म है, जाइलम के चार तत्वों में से कौन सा नहीं पाया जाता? तो आप बोलेंगे कि एंजियोस्पर्म में तो चारों तत्व पाए जाते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में वेसल्स का, वाहिका का अभाव होता है। क्लियर? ठीक है, एक और बात कौन सी पूछी? आपको बताना है कि जो वाहिनिका है, वाहिका है
और फाइबर है, मतलब जाइलम फाइबर है और जाइलम पैरेन्काइमा है, इनमें से कौन सा तत्व जो है वो जीवित कहलाता है, है ना, जो लिविंग कहलाता है। नीट में क्वेश्चन आता है कि जो जाइलम के चार तत्व होते हैं उसमें से जीवित तत्व के बारे में बताइए, तो आपको उसमें आंसर क्या लिखना है, जीवित तत्व कौन सा है, केवल जाइलम पैरेन्काइमा ही जीवित है, केवल, ठीक है, केवल कौन सा है, जाइलम पैरेन्काइमा ही जीवित है, बाकी जो तीनों है वो कैसे है, डेड है। क्यों डेड है ये भी बताएं आप, है ना, डेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चों एक तो इनके अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है, है ना, इनमें क्या है, ये प्रोटोप्लाज्म विहीन है, इसी कारण हम इनको क्या बोलते हैं, मृत तत्व भी बोलते हैं जाइलम के। क्लियर हो गया, केवल जाइलम पैरेन्काइमा ही क्या है, लिविंग तत्व है, किसके अंदर, जाइलम के पार्ट्स के अंदर। क्लियर, यहाँ तक के दो तीन आपको मैंने क्वेश्चन बता दिए, जिसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी कोशिका, किसकी कोशिका के बारे में बात हो रही है अभी, ट्रैकेड यानी कि वाहिनिका के बारे में। इनकी कोशिका की भीतरी भित्ति की सतह जो होती है वो मोटी होती है, जिससे कि इनकी आकृति क्या होती है, विभिन्न होती जाती है। पुष्पी पादपों में वाहिनी की, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन आता है, चौथा क्वेश्चन है ये कि जो पुष्पी पादप है यानी कि एंजियोस्पर्म है, उसमें कौन से जो जाइलम के तत्व हैं जो मुख्य अवयव होते हैं वाटर का कंडक्शन करने के लिए। क्वेश्चन आई रिपीट अगेन कि मुझे बताइए कि जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर जो जाइलम है उसके कौन से दो तत्व हैं जो कि वाटर का स्थानांतरण करने के लिए मुख्य अवयव के तौर पे काम में आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है, है ना, ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, पुष्पी पादपों में वाहिनी की, ब्रैकेट्स एंड वाहिका यानी वेसल्स, जो है पानी के स्थानांतरण के लिए मुख्य अवयव है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, नीट में इस पे बेसिकली क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हाँ या ना, ठीक है। वाहिका, अब हम वेसल्स के बारे में बात करें, वाहिका कैसी है, लंबी है, सिलेंड्राकार नली है, सिलेंडर शेप में, देखो जैसे हमने ये पढ़ा, ये जो है हमारी, भी कलर चेंज कर लो बच्चों ताकि इजीली विजिबल हो जाएगा, दिख रहा है अब आपको, येलो कलर दिखता नहीं है, ये है हमारी वेसल्स, ठीक है, वेसल्स कैसी है बच्चों, हमने बोला ये लंबी है और सिलेंड्राकार है, यदि मैं इस तरीके से शेप बना दूं, यहाँ देखो, ठीक है, फिर हम इसी तरीके से सिलेंडर देखते हैं, हमारा जो सिलेंडर होता है, अब ये सिलेंड्रिकल शेप है या नहीं, ये देखो मिल रही है, मैच कर रही है, हाँ या ना। अब इसमें क्या होते हैं बच्चों कि ये जो सिलेंड्रिकल शेप है, एक छोटी सी बात और है जाइलम में, इसको कहीं नोट कर लो आप कॉपी में, जाइलम जो होता है, यहाँ लिख दो बच्चों, जो यहाँ लिख देती हूँ, चलो, जो जाइलम होता है उसमें जो वाटर का फ्लो होता है ना, जाइलम में जो वाटर का, ठीक है, स्थानांतरण लिख देती हूँ, स्थानांतरण होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, कैसा होता है बच्चों, यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि यहाँ पर जो वाटर का फ्लो होगा वो कैसा होगा, एक ही दिशा में होगा, जैसे कि हम देखते हैं, ये मैंने बनाया है वेसल्स, ठीक है, वेसल्स बनाए, तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक वेसल्स इससे यूं जुड़ी हुई है ना, अब ये जुड़ी हुई वेसल्स है तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कुछ गैप्स होते हैं, एक मिनट, तो यहाँ पर इस तरीके के कुछ गैप्स होते हैं, अब इन गैप्स को हम क्या कहते हैं, ये देखो ऐसे गैप्स होते हैं, ठीक है, ये गैप्स मिल गए, ये जॉइंट होती है, अब क्या होगा, जैसे वाटर का फ्लो हुआ तो वाटर बेसिकली यहाँ जाता है, यानी एक ही दिशा में, लेकिन अब ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, देखो जो वेसल्स, जो जाइलम है उसके जो तत्व हैं वो आपस में क्लोज होते हैं, ताकि एक से एक, एक में एक करके खनिज लवण और वाटर जो है इजीली फ्लो हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल, अब यहाँ पर ये, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं अपन पित्त, है ना, इस पित्त से होकर के इधर भी जाएगा, लेकिन ये जाएगा तो यूं ही,
फिर यहाँ से जाएगा तो भी यूं ही जाएगा। तो यानी कि हमने बोला जो जाइलम है उसमें वाटर का जो फ्लो हो रहा है वो यूनिडायरेक्शनल हो रहा है। गेट इट? अब क्या होगा, इसी तरीके से अपन ने ट्रैकेट की बात नहीं करी, जो ट्रैकेट्स हैं अपनी वो भी इस तरीके की होती है, ठीक है, इस तरीके की होती है। और इसके अंदर भी क्या होता है, बीच बीच में खाली जगह होती है, और ये खाली जगह क्या करती है बच्चों, पित्त का काम करती है। और यहाँ पर जो वाटर का फ्लो होता है वो भी इस तरीके से होता है। और इसके साथ साथ क्या करते हैं, ये जो मतलब आप ये देख रहे हो ना, जितने भी पार्ट अपन ने पढ़े जो तत्व है, ये जो कंडक्शन हो रहा है, जो स्थानांतरण हो रहा है, उसमें एक विभव बना रहा है ना, एक ग्रेडियंट बना रहा है, और उसी ग्रेडियंट की वजह से ये एक यूनिडायरेक्शन में जो है स्थानांतरित हो पाते हैं। क्लियर हो गई बात? तो वाहिका लंबी है, सिलेंड्रिकल नली है, इनमें बहुत सी कोशिकाएं होती है जिन्हें हम वाहिका अवयव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो वाहिका है बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और इन्हीं कोशिकाओं को अपन क्या बोल रहे हैं, वाहिका अवयव बोल रहे हैं। क्लियर हो गया? प्रत्येक की भित्ति लिग्निनी होती है। जैसे कि हमने बोला कि जो हमारा वाहिनिका है, जो हमारी वाहिका है, ये जो अवयव है, इनकी जो भित्ति है, जो इनकी सेल वॉल है, दोनों की ही किससे बनी हुई है, लिग्निन की बनी हुई है। और इसके अलावा ये जल के स्थानांतरण के भी मुख्य अवयव होते हैं। दोनों की क्वालिटी सेम है, देखो दोनों ही मतलब क्या है, ट्यूबुलर शेप्ड है ना, और दोनों ही क्या कर रही हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो कर रही है वाटर का, और वाटर का सबसे कहते हैं ना मेन स्रोत है स्थानांतरण करने के लिए, और इसी के साथ में दोनों की जो भित्ति है वो लिग्निन की बनी हुई होती है ना, और दोनों ही कैसी हैं, मृत है। क्यों है? क्योंकि इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, समानताएं लिख सकते हो और असमानताएं भी मेंशन कर सकते हो चारों तत्वों के बीच में। क्लियर हो गई? प्रत्येक की भित्ति लिग्निनी होती है। बड़ी केंद्र गुहिका होती है, जो बड़ी केंद्र है वो कैसी होती है, गुहिका होती है। वाहिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, इसीलिए डेड होती है। कलर चेंज कर लो बच्चों एक मिनट है ना, और ये लंबवत एक दूसरे के साथ छिद्रित पाइप है ना, जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पर एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ी होती है, इन छिद्र के द्वारा जुड़ी रहती है, जिसको हम क्या बोल रहे थे, एक दूसरे के साथ एक छिद्रित पाइप की भांति जुड़े रहते हैं। ये पाइप फॉर्म हो रहा है, पाइप कैसे होंगे, बीच बीच में पित्त बना लेंगे, और इससे पित्त से क्या होगा, वाटर गुजर के जाएगा। आगे अपन का समझ में, फिर है वाहिका का होना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। जैसे कि अपन ने अवयव के बारे में बोला, और इम्पॉर्टेंट क्या है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि वाहिका का होना है एंजियोस्पर्म का प्रमुख लक्षण है। क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्म में वाहिका वेसल्स पाई नहीं जाती, हाँ या ना। मैंने बताया ना आपको, क्वेश्चन आता है नीट पे कि भाई वाहिका प्रेजेंट है या नहीं है जिम्नोस्पर्म में, तो नहीं होती है, ठीक है, लैक ऑफ वेसल्स होता है। या आपसे पूछा जाए कि जाइलम है ना, जाइलम का एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या डिफरेंस है, तो भाई जो जाइलम के तत्व हैं वो कंप्लीट नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्म में तो वेसल्स नहीं होती, जबकि एंजियोस्पर्म में चारों तत्व प्रेजेंट होते हैं। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। और बच्चों, पहली बार में वीडियो सुना करो, दूसरी बार में पॉइंट्स लिखा करो, ठीक है, ताकि कुछ भी चीज़ें मिस ना हो। कहीं आप लिखने में हो सकता है कभी कभी मैं बोलती जाऊंगी और चीज़ें मिस कर दो, पहले ध्यान से सुनो फिर ध्यान से लिखो, ठीक है, ये ऐसा किया करो। जाइलम तंतु की भित्ति मोटी होती है एवं इसकी केंद्रीय गुहिका विलुप्त होती है। जो जाइलम तंतु है, अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, तीसरे तत्व की बात कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, जाइलम तंतु, यानी कि जाइलम फाइबर्स की बात कर रहे हैं, हाँ या ना। तो जाइलम तंतु की जो भित्ति है वो कैसी है, मोटी है, तथा इसकी केंद्रीय गुहिका विलुप्त होती है, यानी कि इसके अंदर ल्यूमेन नहीं होता। क्या नहीं होता, इसमें ल्यूमेन नहीं पाया जाता। ये पटीय तथा अपटीय हो सकती है, कैसी हो सकती है, पट भी पाए जा सकते हैं और अपट भी हो सकते हैं, हाँ ना। जाइलम पैरेन्काइमा, अब यहाँ पर हम चौथे की बात कर रहे हैं, फोर्थ तत्व की बात कर रहे हैं, जाइलम पैरेन्काइमा। कोशिकाएं जीवित होती है, देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों, मैंने बताया था कि चारों तत्वों में से केवल जाइलम पैरेन्काइमा ही क्या है, जीवित होती है, ठीक है। इनकी भित्ति पतली होती है, हाँ या ना, और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। जबकि अभी अपन इतनी देर से क्या देख रहे थे कि देखो जो जाइलम फाइबर है ना वो कैसे होते हैं, वो होते हैं स्क्लेरेन्काइमा,
ठीक है, वो होते हैं स्क्लेरेन्काइमा के बने हुए, और जो पैरेन्काइमा है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, और वाहिनिका और वाहिका जो होती है वो लिग्निन की बनी हुई होती है। चारों की भित्तियों के बारे में आपको समझ में आ गई चीजें। इनमें स्टार्च तथा वसा व अन्य पदार्थ जैसे कि टैनिन भोजन के रूप में संचित रहता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि देखो जाइलम के जो तत्व हैं उसमें फूड स्टोरेज का काम कौन करता है, और फूड स्टोरेज जो होता है वो किस रूप में होता है। तो जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो फूड स्टोरेज का काम करता है, और किसके रूप में, टैनिन के रूप में। और आपसे पूछा जाएगा कि जो फाइबर्स हैं वो कैसे काम करते हैं। फाइबर्स जो होते हैं वो बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट में आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। दोनों मैंने बताया कि जो पैरेन्काइमा है, जाइलम पैरेन्काइमा है, वो तो फूड का स्टोरेज करेंगे एज अ टैनिन, है ना। और दूसरा जो है, जो यांत्रिक सहारा प्रदान करता है या मैकेनिकल सपोर्ट करता है, वो करते हैं जाइलम फाइबर्स, गेट इट। अब क्या है, पानी का जो त्रिज्य संवहन होता है वो रैपेन्काइमा कोशिकाओं में होता है। इम्पॉर्टेंट, जो कि आप बोल रहे हो ना कि रेडियल, देखो एक बार वापस से कलर चेंज करती हूँ, है ना। यहाँ पर हमने बोला कि इस तरीके का फ्लो था, है ना, इस तरीके का, यहाँ पर इधर यूं गया, ठीक है, फिर यूं इधर से यूं आया, फिर वापस से यूं, फिर यूं गया, फिर यूं। तो यानी कि कैसा हुआ, यहाँ पर त्रिज्य संवहन हो रहा है, रेडियल जो है ग्रेडियंट बन रहा है, और वाटर का क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, वाटर का स्थानांतरण हो रहा है। क्लियर हो गई बात। फिर है प्राथमिक जाइलम जो है वो दो प्रकार के होते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, एक बार रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। हमने पढ़ा जटिल उत्तक, जटिल उत्तक में हमने देखा दो प्रकार के होते हैं, हाँ है ना। जटिल उत्तक में हमने सबसे पहले पढ़ा जाइलम। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, पानी व खनिज लवणों का अवशोषण करके, कहाँ से, मूल से अवशोषण करते हैं और तने व पत्तियों तक पहुँचाते हैं, पहला कार्य, ठीक है। फिर हमने बोला कि जो जाइलम है वो मुख्यतः चार तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जिसके बारे में हमने क्या बोला, वाहिनिका, वाहिका, फाइबर, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। फिर हमने बोला कि जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में वाहिका नहीं होती, वेसल्स नहीं होती, तीनों पार्ट पाए जाते हैं लेकिन वेसल्स नहीं होती, जबकि एंजियोस्पर्म में चारों तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हमने बोला कि जो जाइलम है, उस एंजियोस्पर्म है, उसमें कौन से जो तत्व हैं वो मुख्य रूप से पानी का स्थानांतरण करने के लिए उपयोग होते हैं। तो हमने बोला था वाहिनिका और वाहिका, यानी कि ट्रैकियर्स और वेसल्स, ठीक है। दोनों क्या हैं, पानी के स्थानांतरण करने वाले मुख्य अवयव हैं, ठीक है। फिर हमने बोला कि जो हमारे फाइबर्स हैं वो क्या कार्य कर रहे हैं, उसका कार्य है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का, यांत्रिक सहारा प्रदान करने का। फिर हमने बोला कि जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो ही एक ऐसा तत्व है जो जीवित होता है, क्यों, क्योंकि इसकी जो भित्ति है वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, इसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। जबकि जो तीन तत्व है, वाहिका, वाहिनिका और जो फाइबर्स हैं, उनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, वो डेड होती हैं, और जो फाइबर्स हैं वो जो ये होता है ना स्क्लेरेन्काइमा, उसकी बनी हुई होती है। अब तक हमने ये गणित जो है पढ़ी है। अब हम देख रहे हैं जो प्राथमिक जाइलम है ना, वो कैसा होता है, बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है आदिदारू, दूसरा होता है मेटाजाइलम। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार ये चीज़ समझ में आ गई ना, क्योंकि जो फ्लोएम है उसमें भी सेम कंडीशन है। तो बच्चों, जो जाइलम है कौन सा वाला, प्रोटो, ठीक है। तो प्रोटो, एक बार कलर चेंज कर लूँ फिर डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है। तो प्रोटो इधर देखो, दिख रहा है, देखो प्रोटो जाइलम है ना, ये लिखा मैंने। देखो बच्चों, प्रोटो का मीन्स क्या होता है, प्रोटो का मीन्स होता है प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक बोल लो या फिर प्राइमरी बोल लो, हाँ है ना। तो हमने बोला कि ऐसे जाइलम जो सबसे पहले उद्भव हो, सबसे पहले उनका निर्माण हो, ऐसे जाइलम जिनका निर्माण सबसे पहले हो तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे प्रोटोजाइलम, और जो बाद में हो वो मेटाजाइलम, यानी कि मेटाजाइलम, मेटा यानी कि जो बाद में हो। ये गणित याद हो गई, दो चीजें याद हो गई। क्या बोला मैंने, तो एक तो मैंने बोला
आदिदारु यानी प्रोटोजाइलम, जो कि सबसे पहले जाइलम का निर्माण हो वो प्रोटोजाइलम कहलाएंगे। प्रोटोजाइलम के बाद में जिन जाइलम का निर्माण हो रहा है वो मेटाजाइलम कहलाएंगे। क्लियर, पढ़ते हैं डेफिनेशन। आदिदारु सबसे पहले बनने वाले जाइलम को प्रोटोजाइलम कहते हैं, मेटाजाइलम बाद में बनने वाले जाइलम को मेटाजाइलम कहते हैं। हो गई कहानी क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब जो बच्चों ये है, इसको समझने के लिए मैं यहाँ डायग्राम बना रही हूँ। ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है, यदि आपको चीज़ें समझ में आ गई ना एक बार में तो आ गई, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल फोकस होके कॉन्सेंट्रेट होकर के डायग्राम को समझना। अब देखो क्या हुआ, आपको पता है, ठीक है, ये क्या होती है हमारी, जो लगातार विभाजन करे, ऐसे उत्तक जो लगातार विभाजन करे वो क्या होते हैं हमारे, मेरिस्टेमेटिक। आया कि नहीं आया दिमाग में, मुझे पता है भी मैं आपको सुन नहीं सकती लेकिन मैं आप लोगों को समझ सकती हूँ। कैसे, क्योंकि जैसे जैसे आपके आंसर आते हैं ना कमेंट बॉक्स में और जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं तो दैट मीन्स आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, हाँ है ना। तो मुझे लग रहा है कि आप पढ़ तो रहे हो। ठीक है, मैं इसीलिए अब आपको, देखो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट सेकेंड चैप्टर थे उसमें मैंने नीट के बारे में कुछ नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया, क्योंकि अच्छा फीडबैक नहीं आ रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि बच्चों को नीट के बारे में बताना ही चाहिए ताकि वो आगे के लिए प्रिपेयर हो सके मेंटली, हाँ है ना। तो जो मैं चाहती हूँ ना बच्चों, यदि आप वैसा करना करोगे ना तो डेफिनेटली आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, 11 12th भी और साथ के साथ में आपका नीट भी। ठीक है, हाँ, तो अब हमने क्या बोला, एक मिनट, तो मेरिस्टेमेटिक हमने बोला। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या हुआ कि यहाँ पर कोशिकाओं ने लगातार विभाजन किया, कोशिकाओं ने क्या किया, विभाजन किया, और विभाजन करने के बाद क्या हुआ, नई कोशिकाएं बनाई, हाँ ना, ऐसा होता है, नई कोशिकाएं बनी। तो जाइलम का जब निर्माण होगा, यानी कि सबसे पहली जो नई कोशिकाएं बनी, जो सबसे पहले कोशिका बन रही है, सबसे पहले उत्तक बन रहा है, वो कैसा बन रहा है, प्रोटोजाइलम बन रहा है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, हाँ या ना, ये मैंने जो बनाया है, ये क्या बनाया बच्चों, प्रोटोजाइलम बनाया मैंने। ठीक है, ये मैंने बनाया है प्रोटोजाइलम। फिर बाद में बन रही है कोशिकाएं, ये बड़ी होंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर इसलिए इतना अच्छा डायग्राम बना रही हूँ ताकि आपको विजिबल हो सके। तो बाद में जो कोशिकाएं बनी, बाद में जो उत्तक बना, वो क्या बनाएगा, मेटाजाइलम, हाँ या ना, आया समझ में। तो मैथमेटिक ने क्या किया, दो तरह की कोशिकाओं का निर्माण किया, जो पहली कोशिका बनी, पहले उत्तक बना, वो बन गया हमारा प्रोटोजाइलम, जो बाद में बना वो बना हमारा मेटाजाइलम। अब बच्चों इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो आप आकार देख रहे हो, ये क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, इनका स्मॉलर साइज होता है और पतली झिल्ली के बने हुए होते हैं। ठीक है, जो प्रोटोजाइलम होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं और इनकी जो कोशिका है वो पतली होती है। अब हमने बात करी जब मेटाजाइलम, ये आकार में बड़े होते हैं, ठीक है, लार्ज होते हैं और इनकी मोटी भित्ति होती है। क्लियर, अब कहानी है इधर, ये तो आपने समझ लिया। अब क्या होगा, देखो मध्यादिदारु तने में प्रोटोजाइलम, इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, मध्य आदि दारुम का। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, तो तने में प्रोटोजाइलम केंद्र में है ना, यहाँ बना रही हूँ डायग्राम बच्चों। एग्जाम्पल मैंने किसका लिया है, एग्जाम्पल लिया है मैंने स्टेम का, यानी कि तने का, हाँ है ना, तने का लिया। क्या बोल रहा है, प्रोटोजाइलम केंद्र में, प्रोटोजाइलम बना दूं, ये बना दिया मैंने प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम कहाँ है, केंद्र में, इसको बोलते हैं अपन पित या फिर केंद्र, आया समझ में। और ये कौन सी कोशिकाएं हैं, ये है हमारा प्रोटोजाइलम, आया समझ में। प्रोटोजाइलम का है केंद्र में, किस में पाया जाता है, ये तने में। मेटाजाइलम परिधि की तरफ हो, मेटाजाइलम कहाँ है, कोशिका बड़ी, हाँ है ना, पेरीफेरी पे है। देखो परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीफेरी, क्या बोलते हैं, पेरीफेरी, लिख देती हूँ अभी, रुको पहले बना लूँ डायग्राम। ये हो गया जो हमारा, ये क्या बोलेंगे अपन इसको, मेटा
जाइलम। मेटाजाइलम कहाँ पर है? परिधि पर है, है ना। परिधि को बोलते हैं पेरीफेरी, ठीक है, पेरीफेरी बोलते हैं। तो मेटाजाइलम है परिधि पे और जो प्रोटोजाइलम है वो केंद्र में है। तो ऐसा जो सिचुएशन हो कि जब तने में सिचुएशन देखने को मिलती है कि जो प्रोटोजाइलम है वो तो हो जाएंगे केंद्र में और परिधि की तरफ कौन होगा? हमारा मेटाजाइलम। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं मध्याधियारुम, यानी कि इंग्लिश में बोले तो एंडार्क। क्या बोलेंगे? एंडार्क। क्या बोलेंगे? एंडार्क, है ना। फिर इसको जो भारे आदिदारुक है इसको बोलेंगे एक्सार्क। क्या बोलेंगे? एक्सार्क, है ना। यहाँ लिख दो, बोलने में दिक्कत हो तो एक्सार्क, ठीक है, एक्सार्क बोलेंगे। मेटाजाइलम केंद्र में। अब क्या हो रहा है बच्चों, जो यहाँ बना रही हूँ उसका डायग्राम, अब जो मेटाजाइलम है, बड़े बड़े बनाऊ, हाँ है ना। मेटाजाइलम तो कहाँ है? केंद्र में है मेटाजाइलम। और जो प्रोटोजाइलम है वो कहाँ पर है बच्चों? परिधि पे है। ये कैसे होंगे? प्रोटोजाइलम, और ये कहाँ पर होंगे? परिधि में। तो ऐसी सिचुएशन क्या हो जाएगी हमारी? भारे आदिदारुक, यानी कि एक्सार्क। मेटाजाइलम केंद्र में है ना, तथा मूल में, प्रोटोजाइलम परिधि पे। एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, इसका एग्जाम्पल है हमारा रूट, ठीक है। जब हमने एंडार्क की बात करी तो इसका एग्जाम्पल है स्टेम। एक्सार्क की, भारे आदिदारुक की बात करी तो इसका एग्जाम्पल है रूट, ठीक है। तो जाइलम, जो प्रोटोजाइलम है वो परिधि की ओर हो तो इस प्रकार का जो जाइलम है वो क्या कहलाएगा? भारे आदिदारुक उसको कहते हैं। एक बार स्टॉप करें, ध्यान से सुनो, वापस से। हमने बोला पहले बनने वाले जो जाइलम है वो प्रोटोजाइलम, बाद में बनने वाले जो जाइलम है वो मेटाजाइलम, ये बोला। फिर हमने बोला कि उनका जो कंडीशन है वो बताओ। कंडीशन हमने बोला तने में कंडीशन होती है जाइलम की कि जो प्रोटोजाइलम है वो मध्य में, यानी पथ में, सेंटर में पाए जाएंगे, और जो मेटाजाइलम है वो परिधि की तरफ पाए जाएंगे। तो ऐसे जो कंडीशन होगी वो एंडार्क कहलाएगी, मध्य आदिदारुम कहलाएगी। फिर हमने बोला कि नहीं, इसका अपोजिट जो कि मूल में पाया जाता है, जो मेटाजाइलम है वो केंद्र में और जो प्रोटोजाइलम है वो परिधि पर पाए जाए। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं भारे आदिदारुक, यानी कि एक्सार्क। होप कि सब चीज़ें क्लियर हो गई है, कोई भी डाउट नहीं है। क्वेश्चन आता ही आता है, फिर मत बोलना कि मैम ये तो क्वेश्चन आया था और हमने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि चीज़ें मैंने क्लियर करी, एक एक चीज़ डायग्राम के साथ में बताया, ठीक है। तो बच्चों गड़बड़ मत करना। अब हम बढ़ते हैं फ्लोएम की तरफ। हमारा जाइलम अच्छे से कंप्लीट हो गया, हमने चारों तत्वों के बारे में बता दी, उनके आकार की बता दी, इम्पोर्टेंस बता दिया, उनका फंक्शन बता दिया, साथ के साथ में उनके जो अरेंजमेंट है उसके हिसाब से भी हमने जाइलम को बता दिया कि दो तरह का होता है, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, कैसी कंडीशन होती तो क्या होता है और क्या नहीं होता है, एंडार्क और एक्सार्क। क्लियर हो गई विद एग्जांपल। अब है फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम प्राय भोजन की पत्तियों से, ठीक है, प्राय भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यानी कि मैंने बोला कि जाइलम का जब हमने काम देखा था तो वहां पर वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन हो रहा था, है ना, और वो भी कैसे हो रहा था? यूनिडायरेक्शनल, यानी एक दिशा में। अब जब हम फ्लोएम की बात करेंगे ना बच्चों, फ्लोएम को इंग्लिश में लिखते हैं फ्लोएम, ठीक है। गलत लिख दिया मैंने, एक मिनट, ठीक है, यही होगा, ठीक है। कभी कभी लिखते लिखते गड़बड़ हो ही जाती है, ठीक है। फ्लोएम, तो फ्लोएम में जो मेन फंक्शन है वो क्या है? यहाँ पर फूड का कंडक्शन हो रहा है, ठीक है, फूड कंडक्शन हो रहा है, फूड कंडक्शन। अब मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रही हूँ फूड कंडक्शन, CONDUCTION, CONDUCTION, फूड कंडक्शन, ठीक है। प्राय भोजन का पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक, वहां पर क्या हो रहा था? वाटर का कंडक्शन और मिनरल का रूट से स्टेम और लीव्स में जा रहा था। यहाँ पर जो भोजन है, भोजन कहाँ हो रहा है? पत्तियों से अन्य भागों में जा रहा है। क्लियर हो गई बात। एंजियोस्पर्म में स्थित फ्लोएम में चालनी नलिकाएं, तत्व, सहचर कोशिकाएं, ठीक है,
नोरन पैरेन्काइमा और फ्लोएम तंतु होते हैं। जब हमने जाइलम की बात करी तो हमने वहाँ पर भी चार तत्व पढ़े थे, हाँ ना? हमने बोला था कि वहाँ पर क्या क्या है, वाहिका है, वाहिनिका है और पैरेन्काइमा है और फाइबर्स है। यहाँ पर क्या है फ्लोएम में, फ्लोएम भी बेसिकली चार तत्वों से मिलकर बना होता है, चालनी नलिकाएं, ठीक है, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। अब क्या है, जैसे कि हमने वहाँ बात करी थी कि जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं पाई जाती, यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर जो सीन है बच्चों देखो, जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनी कोशिकाएं होती है। कब देखो, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एक बार, जो फ्लोएम होता है ना बच्चों, वो बेसिकली चार तत्वों से मिलकर बना होता है, ठीक है। कौन कौन से चार तत्व होते हैं इसके अंदर, एक तो होता है सीव ट्यूब सेल्स, ठीक है, जिसको अपन चालनी नलिकाएं कहते हैं, चालनी नलिकाएं इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सीव ट्यूब सेल्स। फिर हम बात कर रहे हैं दूसरा जो पार्ट है सहचर कोशिकाएं, इसको हम बोलते हैं कंपेनियन, एक मिनट, हाँ, कंपेनियन सेल्स, ठीक है, कंपेनियन सेल्स को हम बोलते हैं सहचर कोशिकाएं। कंपेनियन सेल को क्या बोलते हैं सहचर कोशिकाएं, एक मिनट, ठीक है, आप दिख रहा है यहाँ पे, ये वापस से कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखो सहचर कोशिकाएं, कंपेनियन सेल को क्या बोलते हैं सहचर कोशिकाएं। अब क्या होता है देखो, जिम्नोस्पर्म की, ये तो है एंजियोस्पर्म के बारे में, किसके बारे में बात है, एंजियोस्पर्म के बारे में। तो एंजियोस्पर्म में जो सेल्स पाई जाती हैं उसमें क्या होगा, चालनी नलिकाएं जो हैं उसकी जगह पर होंगी केवल सीव सेल्स, ठीक है, सीव सेल्स होंगी किसमें, जिम्नोस्पर्म में। और जब हम यहाँ पर जो कंपेनियन सेल्स हैं, सहचर कोशिकाएं हैं, उसके स्थान पर जिम्नोस्पर्म में पाई जाएंगी एल्ब्यूमिनी कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, क्वेश्चन आ सकता है कि जाइलम जो फ्लोएम है उसमें सहचर कोशिकाओं के स्थान पे जिम्नोस्पर्म में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, तो आपका आंसर आएगा एल्ब्यूमिनी कोशिकाएं पाई जाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चालनी नलिकाएं जो तत्व होते हैं यानी फाइबर्स होते हैं, वो लंबे होते हैं, नलिका की तरह होते हैं और लंबवत व सहचर कोशिकाओं से जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको डायग्राम एक बार डिस्कस कर लेती हूँ बच्चों, कलर चेंज कर लूँ। यह है आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में देखो ये जो कोशिकाएं दिख रही है ना, ये जो कोशिकाएं हैं वो कौन सी है, पैरेन्काइमा सेल्स है ना, यानी कि फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स जो कि लिविंग होगी, हाँ है ना। फिर हमने बोला ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, जो बच्चों सीव्स ट्यूब्स होती हैं, सीव्स ट्यूब यानी कि जो नलिकाकार कोशिकाएं होती है, जो जालिका होती है, देखो चलनी होती है, चलनी से, अब बताओ चलनी की क्यों आवश्यकता है, जो भोजन है वो इजीली पहुंच सके हर भाग में, है ना। तो ये जो सीव्स ट्यूब होती है इनका मेन फंक्शन होता है ये फूड का कंडक्शन करती है हर पार्ट में, ठीक है। तो जो सीव सेल्स हैं, है ना, यानी कि यहाँ पर लिख देती हूँ मैं चालनी नलिकाएं, आपको दिक्कत नहीं होगी, जो चालनी नलिकाएं हैं वो ये जो लंबी लंबी दिख रही है, ठीक है, इनको बोलते हैं अपन कंपेनियन सेल्स यानी कि सहचर। देखो सहचर का क्या मतलब होता है, साथ चलने वाला, हाँ ना, साथ चलने वाला। तो जो सहचर कोशिकाएं हैं वो सीव सेल्स जो होती हैं, जो चालनी नलिकाएं होती हैं उनके साथ जुड़ी रहती है, और जो फाइबर्स होते हैं उनके साथ भी जुड़ी रहती है, यानी कि साथ साथ चलती है। क्यों, क्योंकि ये दोनों का क्या करती है, बीच में एक कंडक्शन देती है जिससे कि फूड का स्थानांतरण हो सके। और जो फ्लोएम है बच्चों, जैसे कि हमने जाइलम में पढ़ा था, जो वाटर का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन यहाँ पर जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है, दोनों दिशाओं से हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गई, अब हमने बोला कि जो फाइबर्स है, फाइबर्स इसके बीच में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, चालनी नलिकाएं तत्व लंबे नलिका की तरह होते हैं, लंबवत होते हैं और सहचर कोशिकाओं के साथ में जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़े।
इनकी अंतर्भित्ती चालनी की तरह छिद्रित होती है। ये देखो जो इनकी आंतरिक जो भित्ती होगी किन की इनकी, ये यहाँ पर कैसे होंगे ऐसे, इधर देख लो ऐसे छिद्र होंगे, पोर्स होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर जो भोजन है, सॉरी है ना, जो भोजन है उसका इजीली स्थानांतरण हो सके दोनों दिशाओं की तरफ। आया समझ में? फिर एक परिपक्व चालनी तत्व में परिधीय साइटोप्लाज्म तथा बड़ी रसधानी होती है। एक बार कलर चेंज कर लूं बच्चों, ये लीजिए, ठीक है। तो इनकी अंतःभित्ती चालनी की तरह छिद्रित होती है, हाँ है ना। एक परिपक्व चालनी तत्व में जो परिधीय होता है वहां पे क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और बड़ी रसधानियां होती है और इनमें केंद्रक नहीं होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है किसके लिए, चालनी नलिकाओं के लिए, जो सीव्स होती हैं, सीव ट्यूब सेल्स होती हैं, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। केवल जो कंपेनियन सेल्स हैं, कौन सी सेल्स हैं, जो कंपेनियन यानी सहचर कोशिकाएं हैं, उसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। लिख लो, चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जो कंपेनियन सेल्स है सहचर कोशिकाएं हैं वहाँ पर केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। चालनी नलिका के जो कार्य हैं वो सहचर के केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती हैं। अब आपने बोला कि जो सहचर कोशिकाएं हैं मैम उसमें केंद्रक पाया जाता है, तो वो केंद्रक का कार्य क्या है? तो जो सीव ट्यूब सेल्स होती हैं ना, मतलब जो चालनी नलिकाएं होती है उसमें भोजन का स्थानांतरण होता है, तो उसको नियंत्रित कौन करता है, सहचर कोशिकाएं, ठीक है। जो सहचर कोशिकाओं का केंद्रक है वो चालनी नलिकाओं में भोजन के स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। क्लियर? पक्का? आगे बढ़े। सहचर कोशिकाएं विशिष्ट पैरेन्काइमाई कोशिकाओं की बनी हुई होती हैं, चालनी नलिका के तत्वों से सटी रहती है, जैसा कि हमने डायग्राम में ऑलरेडी देख लिया है। चालनी नलिका जो तत्व और सहचर कोशिकाएं हैं ये गर्त क्षेत्र से जुड़ी रहती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ डायग्राम में बताया। ये जो डायग्राम है यहाँ पर, ये बीच में जो है वो कौन सी है, सीव सेल्स है, सीव ट्यूब सेल्स है, और जो कंपेनियन सेल्स है सहचर कोशिकाएं वो एक गर्त यानी एक पित्त के द्वारा जुड़ी रहती है, ठीक है। यह क्षेत्र अनुदैर्ध्य भित्तियों के बीच में होता है, जैसे कि ये एक और ये एक, तो बीच में ये जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा, अनुदैर्ध्य भित्तियों के बीच में होता है। सहचर कोशिकाएं चालनी नली के दाब ग्रेडियंट को बनाए रहती है। क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट कि सहचर कोशिकाओं का एक कार्य हमने क्या देखा था, कि जो चालनी नलिकाएं हैं उसका जो केंद्रक है वो नियंत्रित करता है। अब दूसरा क्या है, सहचर कोशिकाएं चालनी नली में दाब यानी कि ग्रेडियंट को बनाए रखती है। यदि ग्रेडियंट नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं होगा, तो क्या भोजन का स्थानांतरण हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो सहचर कोशिकाएं ही इसमें हेल्प करती है। तो इसका फंक्शन याद हो गया आपको, फ्लोएम पैरेन्काइमा में लंबी सुंडीय सिलेंड्राकार जो है कोशिकाएं होती है, यहाँ पे भी सिलेंड्रिकल कोशिकाएं होती हैं, इनमें सघन साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, इसमें भी कोशिका द्रव्य पाया जाता है और केंद्रक भी होता है यानी कि न्यूक्लियस भी। सीव ट्यूब सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, सहचर कोशिकाओं में न्यूक्लियस होता है, पैरेन्काइमा सेल्स में न्यूक्लियस होता है। कोशिका भित्ति सेल्युलोज के बनी होती है, जैसा कि वी ऑलरेडी नो है ना, इनमें गर्त होते हैं, इनके द्वारा कोशिकाओं के बीच में जो प्लाज्मोडेस्मेटा होता है वो जोड़ देता है। देखो बच्चों, क्वेश्चन आ सकता है प्लाज्मोडेस्मेटा का कार्य बताइए, ठीक है। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं और इनका कार्य, तो जो दो ऊतक है, ठीक है, दो ऊतक है, इधर देख लो, ठीक है, इन दो ऊतकों को जोड़ने का जो कार्य करता है वो करता है हमारा ये कौन सा, प्लाज्मोडेस्मेटा। ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करता है, आवागमन में भी हेल्प करता है। जो भी मिनरल्स आएगा, वाटर आएगा, भोजन आएगा, उनके स्थानांतरण में, उसके ट्रांसपोर्ट में भी प्लाज्मोडेस्मेटा कार्य करता है। और इसके अलावा कोई कार्य है या सही डेफिनेशन है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं ज़रूर आंसर उसका देखूंगी। और बच्चों देखो, मैं जो क्वेश्चन पूछती हूँ उसके आंसर बहुत कम आ रहे हैं, सीरियसली। कुछ बच्चे हैं जो सिंसियरली पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन या तो आपको समझ में नहीं आ रहा, या आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है, या आप समझना नहीं चाहते, ठीक है। तीन कंडीशन हो सकती है। तो यदि आपसे मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो एक बार ट्राई तो करो, गलत हो सही हो ये बात की बात है,
वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर करता है आपने इनिशिएटिव लिया है, आपने एक पहल करी है कि यदि कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, उसके बाद भी आप आंसर नहीं कर रहे तो बहुत गंदी बात होती है, बताइए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, या आप एक एज अ टीचर आपसे एक बहुत ही अच्छी सी, मतलब मैं कह रही हूँ एक विनर्म एक रिक्वेस्ट है कि आपको क्या करना है, यदि आपको क्वेश्चन का आंसर सच में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी के साथ साथ यदि आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है, आपके माइंड में कोई डाउट आ रहा है, उसको भी आप लिख सकते हो ताकि मैं इजीली क्लियर कर सकूँ और मुझे भी लगे कि आप वाकई में एक इनिशिएटिव ले रहे हो पढ़ने के लिए, ठीक है, तभी मैं और ज़्यादा नीट के क्वेश्चन बता पाऊँगी। नहीं तो मैं, यदि मुझे लगेगा कि कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आंसर्स नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे मैं नीट वाला चीज़ें कम कर दूंगी, आप ही को लॉस होगा। आप चाहते हो ऐसा? मुझे पता है आप नहीं चाहते हो, आप भी चाहते हो कि हम और अच्छा सा पढ़ सकें, सो प्लीज़ मुझे भी लगना चाहिए कि आप पढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। फ्लोएम पैरेन्काइमा खाद्य पदार्थों व अन्य पदार्थों जैसे रेजिन, ठीक है, लेटेक्स और म्यूसिलेज संचित करता है। तो बच्चों जो लेटेक्स है ना, रेजिन है, ये क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यहाँ लिख दूँ, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं और कौन कौन से तत्व इनमें आते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है, नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे। तो आपका है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, कौन कौन से तत्व इनमें इन्वॉल्व होते हैं और इसी के साथ में इनका बेसिकली फंक्शंस क्या होता है। फाइन, एक बीजपत्री पौधों में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होती, इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, जो डायकॉट होता है उसमें तो फ्लोएम पैरेन्काइमा पाया जाता है, बट जो मोनोकोट होता है उसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता है। नीट में एक क्वेश्चन आ सकता है, फ्लोएम तंतु बास्ट रेशा, ये एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो फ्लोएम फाइबर्स हैं उनको क्या कहते हैं, है ना, अन्य भाषा में, तो आप बोलोगे बास्ट रेशा के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है, बास्ट फाइबर्स, ठीक है, दोनों नाम आ सकते हैं, बास्ट फाइबर्स या फिर बास्ट रेशा। ये क्या होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं, तो बेसिकली क्या होंगे, ये डेड होंगे, हाँ है ना, ये प्राय प्राथमिक फ्लोएम में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जो प्राथमिक फ्लोएम होता है उसमें ये नहीं पाया जाता है, लेकिन द्वितीयक फ्लोएम में ये प्रेजेंट रहते हैं। फाइन, ये काफ़ी लंबे होते हैं, अशाखित होते हैं, नुकीले होते हैं, इनमें सिरे, जो इनके जो सिरे होते हैं वो कैसे होते हैं, जब नुकीले होंगे तो नेचुरल सी बात है ये सुई की तरह दिखेंगे, हाँ या ना। फ्लोएम तंतु की कोशिका भित्ति काफ़ी मोटी होती है, क्या होती है, इनकी जो भित्ति होती है वो काफ़ी मोटी होती है। परिपक्वता पर इन तंतुओं में प्रोटोजाइलम जो है वो समाप्त हो जाता है, जैसे ही जो फाइबर्स हैं उसके अंदर जो मैचुरेशन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, प्रोटोजाइलम के टाइम पर, प्रोटोजाइलम यानी कि जो इनिशियल स्टेज में बनते हैं, प्रोटोजाइलम के समय पे ये समाप्त हो जाएंगे और ये मृत हो जाते हैं। पटसन सन तथा भांग, ये पौधों के एग्जाम्पल है, पटसन सन और ये भांग, इन पौधों में फ्लोएम तंतु जो हैं उनका बहुत ही आर्थिक महत्व से उपयोगी माना जाता है, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फाइबर्स होते हैं किन किन प्लांट्स में बहुत ज़्यादा जो आर्थिक महत्व रखते हैं, तो आएगा पटसन सन और हमारा भांग, ठीक है। सबसे पहले बनने वाले फ्लोएम को क्या बोलेंगे, संकरी चालनी नली होती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रोटो फ्लोएम की। ऐसे फ्लोएम को प्राक फ्लोएम यानी प्रोटो फ्लोएम कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया। बाद में बनने वाले फ्लोएम क्या कहलाएंगे, बड़ी चालनी होती है, हमने बोला था ना जो मेटाफ्लोएम होगा या मेटाजाइलम होगा वो बड़ी कोशिका होंगी, लेकिन जब हम जो प्रोटोजाइलम बोलेंगे छोटी, तो यहाँ पर भी आ गया कि यहाँ पर जो संकरी है यानी कि छोटी है, यहाँ पर जो चालनी है वो बड़ी है, क्यों, क्योंकि बाद में बन रहे हैं, और इन्हें अनुफ्लोएम या फिर मेटाफ्लोएम भी कहते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हमने जटिल उत्तकों के बारे में पढ़ा, फ्लोएम जाइलम पढ़ा, उनके चारों तत्वों के बारे में पढ़ा, उनके फंक्शंस पढ़े,
हाँ है ना, उनके डायग्राम्स देखे हमने, नीट के क्वेश्चंस देखे, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको भी दिए। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी आज कंप्लीट हो जाता है। आपको नोट्स तैयार करने हैं, साइड में जो जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसरिंग करने हैं। फिर मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ में, जब तक धन्यवाद।